हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नए तरीके का पोहा, और ये पोहा आपको सफर के लिए इतना मजेदार है कि आपको सफर में टाइम तो कट ही जाएगा और पेट भी इससे भर जाएगा। तो ये पोहा नए तरीके का क्यों है तो मैं आज बताऊंगी आपको। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और इसका स्वाद पसंद आए तो डबल लाइक करें। डबल लाइक करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी पर दो बार क्लिक करें, अपने दोस्तों से डबल लाइक करवाएं। तो इसका टेस्ट जो है ना दोस्तों, इतना गजब का है कि आप भूल जाएंगे पुराने वाले पोहा को। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, हम एक कढ़ाई बैठाएंगे, झटपट एक कढ़ाई बैठाएंगे। उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। ज्यादा तेल भी हमें डालने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही पोहा को हमें धोना है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को तल लेते हैं, यानी कि हम अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम जब करारा हो जाएगा तो निकालेंगे। थोड़ा सा हम नमक डाल लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालें आप। नमक किसी भी चीज में ज्यादा ना डालें। तो देखिए, हम अच्छे से इसे चलाते हुए भून ले रहे हैं, और जैसे ही इसमें से चटकने का आवाज आने लगेगा, समझ जाइएगा कि ये मूंगफली जो है वो फ्राई हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मूंगफली बहुत ही बेहतरीन और सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। तो भून के तैयार है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, या आप टिश्यू पेपर पे भी निकाल लें। तो देखिए, इस तरीके से हम निकाल के रेडी कर लेंगे टिश्यू पेपर पे, और उसके बाद हम चलते हैं पोहा के तरफ। तो 1 चम्मच और मैं तेल डाल ले रही हूँ, और उसके बाद जो पोहा है वो डाल लेना है हमें। पोहा को हम धोए नहीं है, इसे बहुत से लोग चिवड़ा बोलते हैं, बहुत से लोग पोहा बोलते हैं, लेकिन ये चिवड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसे हम देखिए ड्राई ही डाले हैं, कोई धोए नहीं है, सिर्फ साफ कर लिए हैं कि इसमें धान वगैरह जो आता है वो ना हो। और उसके बाद हम थोड़ा सा ही 2 चम्मच तेल में इसे बढ़िया से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम कभी करेंगे, कभी मीडियम करेंगे। बीच में हम नमक डाल लिए हैं स्वाद अनुसार, और 3-4 हरी मिर्च को बीच से काट के डाल लिए हैं। और इससे इसी चीजों से हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मिर्च से इसका इतना गजब का टेस्ट आता है ना दोस्तों कि पूछिए मत। तो आप इसे जब ट्राई करेंगे, जब भी जाके पता लगे, तो देखिए आप उंगली से इसे मसलेंगे तो ये बिल्कुल करारा हो जाएगा, यानी कि जैसे हम झाल मुड़ी खाते हैं उस तरीके का इसमें क्रंचीनेस आ जाएगा। तो हम अच्छे से इसे डाल के मूंगफली को मिक्स कर ले रहे हैं, और ये जो पोहा है हमारा, लीजिए तैयार है। तो किस बात की देरी, आप इंजॉय करें, सफर में हो या कहीं भी हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है ना दोस्तों, उसे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उसे क्लिक करेंगे जब भी जाके हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।